चरोदा में खनिज निगम बोर्ड के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री गिरीश देवांगन एवं भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल का गाजे बाजे एवं पटाखे के साथ जोशीला स्वागत किया गया। खनिज निगम बोर्ड के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री गिरीश देवांगन एवं भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कर मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल का चरोदा में असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ भोरमदेव मजदूर संघ के प्रदेश महासचिव रमना मूर्ति एवं उनकी समस्त कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा गाजे बाजे एवं पटाखे के साथ भव्य जोशीला स्वागत किया गया। साथ ही कार्यालय में मजदूरों का सम्मान भी किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा श्रमिक हितैषी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उनके सार्थक प्रयासों का मजदूरों के हितों में किए गए सारे प्रयासों को उनके साथ साझा किया गया, जिसे मजदूरों द्वारा मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार आई है और माननीय भूपेश बघेल जी मुखिया बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, और सन्नी अग्रवाल जी को जब से जिम्मेदारी दी गई है कर्मकार मंडल की, लगातार मजदूरों के लिए विभिन्न योजनाएं और मजदूरों के सशक्तिकरण, आर्थिक मजबूती के दिशा में सरकार काम कर रही है। चाहे नोनी सशक्तिकरण योजना की बात करें, चाहे उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई की बात करें, चाहे शादी ब्याह की बात करें, चाहे टॉप में आने वाले बच्चों की बात करें, सबको 1-1 लाख रुपया दिया गया। उनको स्कूटी खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपया दिया गया। तो मजदूर के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, अच्छा स्थान बनाए, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। और मजदूरों के हितों को लेकर ही आज एक कार्यक्रम दुर्ग में रखा गया है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। आज दुर्ग जिले के दौरे पर हूँ मैं, और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुरूप जो श्रमिकों के लिए जो श्रमित ऐसी जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं में किस तरीके का प्रत्येक अंतिम छोड़ के छत्तीसगढ़ के प्रत्येक अंतिम छोड़ के मजदूरों को लाभ मिल रहा है, किस तरीके से हमारी जो योजनाएँ माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुरूप चलाई जा रही है, उन योजनाओं का क्षेत्र में जो है श्रमिक बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो योजनाएं आज है श्रम छत्तीसगढ़ भवन अन्य सर निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में, वो पहले जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो योजनाएं चलती थी वो धरातल पे नहीं हुआ करती थी, कागजों में हुआ करती थी। आज जो है 29 से अधिक योजनाएँ जो है इस विभाग में चल रही है, उन योजनाओं को कैसे हमारे क्षेत्र के लोग लाभ ले रहे हैं, और उसी स्वरूप जो है आज मैं दौरे पर हूँ दुर्ग जिले के। और निश्चित तौर पर हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि प्रत्येक श्रमिकों को जो भी योजनाएं आज चल रही है इस विभाग में, सभी योजनाएं जो है श्रमिकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो योजनाएँ 29 से अधिक योजनाएँ हैं, वो सभी योजनाएँ डीबीटी में के माध्यम से जो है श्रमिकों के अकाउंट में दिया जाता है। उन्हीं योजनाओं के फल स्वरूप आज मैं जो है दुर्ग आया हूँ, और निश्चित तौर पर जो श्रमिकों को किस तरीके से लाभ ले रहे हैं और किस तरीके से जो है हम जानकारी भी लेते हैं कि और भी कैसे विभिन्न योजनाएं हम उनके लिए और भी जो है मजदूरों से पूछते भी हैं कि किस तरीके की योजनाएं हम आपके लिए और भी ला सकते हैं। छत्तीसगढ़ सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष माननीय महोदय जी का आगमन हमारे कार्यालय में हुआ है, और इसमें आज दुर्ग जिले में जो है दुर्ग के हितग्राहियों को, मजदूरों को ई रिक्शा, साइकिल और बाकी जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का आदिनुसार जो उनके कार्यक्रम के हिसाब से हम लोग बांट रहे हैं, और मजदूरों के हितों में जो जो निर्णय लेना है उसको निर्णय ले रहे हैं। अभी यहाँ से दुर्ग जाएंगे जिला पंचायत, वहाँ पर पूरा कार्यक्रम है और उसके हिसाब से वहाँ के कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ भोरमदेव मजदूर संघ के प्रदेश महासचिव रमना मूर्ति, छत्तीसगढ़ भोरमदेव मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम चरण भारती, प्रदेश सचिव दिनेश ध्रुव, जिला कार्यकारिणी प्रदीप गेन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।